अरे ये चाहती हो तो अपनी सब चीजें मेरे हवाले कर दो जल्दी। अरे जिंदा रे काका, देर रॉबरी। क्या ऊपर वाले? आपकी तारीफ? मेरी तारीफ मेरी जेब में है। 009 009 009 009 ये है मेरे कार्ड और ये रहा आपका सामान। इट्स ऑल राइट, थैंक यू, बाय 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 बाय। उठा कर अबे पर्दूत। बिल्कुल रियल, नकली क्या असली की बाप लेकर आया है मेरा असिस्टेंट। असली लड़की की नाजुक उंगली में नकली अंगूठी क्या जमेगी। आ गई। वेलकम वेलकम, सुस्वागतम। अब पता रही है मिस लक्ष्मी? सॉरी डार्लिंग, मेरा नाम लक्ष्मी नहीं, छाया है। हाँ छाया, अभी याद आया। कितनी खूबसूरत अंगूठी है। यस, ये लक्ष्मी और तुम छाया, मैंने तुम्हें पहनाया और अपना बनाया। मोहब्बत में मुसीबत, मालूम होता कोई क्लाइंट है, अभी टाल के आता हूँ। मैं उसको टाल नहीं सका, वो माल लेकर आया, जरा प्राइवेट मामला है, कहीं उसको शक न हो जाए। तब तो तुम बाथरूम में छुप जाओ। मैं बेडरूम में। अरे अकेले कब तक बैठे? दो मिनट का मामला है, तुम जाओ तो सही। आओ लक्ष्मी, आओ। लक्ष्मी, मेरा नाम माया। ओ हाँ हाँ। उधर कहाँ जा रही हो? ये तो बेडरूम है, बाद में दिखाओ ना, पहले उधर आओ। ए यहाँ आके बैठो, बैठो। अरे ये तुम्हारे टेबल पे लेडीज अंगूठी? हाँ, तुम्हारे ही लिए लाया। ये लक्ष्मी और तुम माया, मैंने तुम्हें पहनाया और अपना बनाया। ओ फिर उल्लू, मन में तो अंडे वाला आ गया। तो क्या हुआ? अरे बाबा, अंडे वाला मेरा अंकल है, होलसेल का व्यापारी है। ऐसा करो, तुम जब तक अंदर छुप जाओ, मैं बाहर के बाहर पटाने की ट्राई करता हूँ। जाओ जाओ बाबा। ओ क्या मुसीबत है, दो दो मिनट की घंटी। अरे वाह, क्या टाइम पे घंटी बजाई है मिस काया। काया? मेरा नाम काया नहीं, लक्ष्मी। लक्ष्मी। ओहो, लवली, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस एंड ब्यूटीफुल रिंग। जिंदगी में पहली बार पहली अंगूठी तुम्हें पहना रहा हूँ। तुम लक्ष्मी और ये माया, मैंने तुम्हें पहनाया और अपना बनाया। ओ उल्लू, क्या हुआ? मालूम होता है मेरे फादर का बड़ा ब्रदर आ गया। ऐसा करो, तुम उधर छुप जाओ। बात में कर लेना, पहले छुप जाओ। नहीं, ये दोस्ती का बेडरूम है, उधर आओ। लेकिन क्यों बताइए? आओ तो सही, आओ तो सही। ये सब क्या हो रहा है? बातें कर लेना। कर लेना, अच्छी बात है। अरे इधर इधर, तुम्हारे लिए तो स्पेशल कमरा है, इधर आओ। अरे तुम आओ तो सही, बात में बताता हूँ तुम। ये सब क्या गड़बड़ है, क्या मजा? डार्लिंग, ओनली 5 मिनट्स प्लीज। ओ, मैं कब तक बैठी? प्लीज डार्लिंग, थैंक यू। मैं आपके लिए हूँ। ओहो, तुम अंदर बैठो ना। लेकिन क्यों? ओहो, बैठो तो सही, एक को निकलता दूसरी बार होती है। इधर कौन गधा है? कौन है? मैं बॉस। बॉस अब तो लाभ, ये कोई टाइम है आने का? बॉस मिल गई। क्या? तीनों की तीनों।
बदल गई, बिल्कुल अधूरी की तरह। ये देखिए। अबे ये क्या है? ये एक एक रुपए वाली नकली अंगूठियां है, ये आप लड़कियों को पहनाइए और असली पुलिस में जमा करवा के इनाम पाइए। क्या हुआ बॉस? अबे नकली समझकर असली पहने बैठा है? अब क्या होगा, इनाम की छुट्टी? सोचने दे। आखिर जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया 009 हूँ। पका खाली डब्बा जिसे बनाया। कोर्ट में मुकदमा पेश है। कोर्ट? देखते नहीं, ये है योर ऑनर जज साहब, मेंबराने ज्यूरी, दर्शक, और ये खड़ा है बेचारा निर्दोष अपराधी। ओ, इनका अपराध मुकदमे का कारण? कारण बहुत विशाल है। ये साहब जज साहब की गोद ली हुई लड़की से प्रेम करते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन गोद ली हुई लड़की जज साहब की? जज नहीं है तो प्रोसिक्यूटर, लेकिन इस केस में जज है क्योंकि फैसला इनके हाथ में है। ऐसा है तो तुम खुद, यानी ये अपराधी महाशय इस मुकदमे का निपटारा अदालत से बाहर ही क्यों नहीं कर लेते? लेकिन ये काम बाहर बाहर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? अपराधी जज साहब के पास जाए और कहे ये झूठ है, अन्याय है, मैं अपराधी नहीं हूँ, प्रेम करना कोई पाप नहीं है, सजा देने के बदले आपको तो चाहिए कि आप मुझे पुरस्कार दें, मेरे प्रेम का मूल समझे। अगर जज साहब इन्हें मिलने से इनकार कर दिया तो? लिमिट है, ऐसा भी क्या बुजदिल प्रेमी। एक आसान तरीका मैं बताती हूँ, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन की पार्टी में तुम जरूर आओगे। ये मैं और तुम इस मुकदमे में कहाँ से आ गए? मेरा मतलब है जब पार्टी खत्म हो जाए और मेहमान लोग चले जाएं, तो अपराधी जज साहब के सामने चला आए और साफ साफ कह दे। अजी अपराधी महाशय, इनकी सलाह के बारे में क्या विचार है आपका? जी क्या फरमाया? साहस नहीं है आप में, उफ लिमिट है। अजी साहब मर्द बनिए मर्द, अपनी प्रेमिका को हासिल करने के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो शादी के बाद क्या करेंगे? जी क्या कहा? कहेंगे साहस है आप में। क्या बात है। हाँ ठीक ही कहा तुमने, माला की शादी का ख्याल ही अब मेरे मन में हर वक्त घूमता रहता है। तो फिर कुछ सोचा आपने? हाँ हाँ सोच रहा हूँ, जल्दी कुछ ना कुछ फैसला करना पड़ेगा। देखिए फैसला करने से पहले मेरी राय ले लीजिएगा, अपनी एक ही तो लड़की है, मैं जल्दी में किसी लड़के को पसंद करने वाली नहीं हूँ। समझ गया, लड़का ऐसा होगा जो न सिर्फ तुम्हें और मुझे बल्कि माला को भी पसंद हो। बस। हेलो मिस्टर जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया 009 अमा हद हो गई, जब दोस्त ही जीरो कहेंगे तो दुनिया क्या हाजिर हो कहेगी। परेशान क्यों होते हैं, आपको सारी दुनिया मानती है, तभी तो मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ। इनवाइट कब, कहाँ, किस सिलसिले में? पांच से बात निकली कि संडे को मेरी बर्थडे पार्टी है और आपको जरूर आना पड़ेगा। बर्थडे? कॉन्ग्रेचुलेशन, एडवांस में मैं जरूर जरूर हाजिर रहूंगा। हाजिर तो हो गए लेकिन इन्हें प्रेजेंट क्या दोगे? प्रेजेंट तो दे चुका हूँ, अपना दोस्त। बात से बात निकली, ये रहा प्रेजेंट। ये क्या है भाई? मेरे प्यारे भैया गोपाल, तुम कहाँ हो, कैसे हो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब तुम्हारी याद में आंसू नहीं बहाती। अगर तुम्हारे मन में अपनी अभागी बहन के लिए जरा भी स्नेह है, अगर एक भाई का कर्तव्य है कि वो बहन की राखी का मोल चुकाए, तो आज मैं तुमसे झोली फैला कर भीख मांगती हूँ कि तुम जैसे भी हो, जहां भी हो, एक बार मुझसे मिलने जरूर आओ। नहीं नहीं, मैं बदकिस्मत में बहन कहकर भी नहीं पुकार सकता, और ना ही मैं अबू गोपाल हूं जिसे तुम भाई कहकर पुकार सको। मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता, मैं अपनी ममता के लिए तुम्हारी खुशियां नहीं मिटा सकता। आला मैं तुम्हारे लिए मर गया, मेरी बहन मुझे भूल जाओ, मुझे भूल जाओ आला। Cheers. राम सिंह,
जी सर। राम सिंह, आज मैं बहुत खुश हूं। लाजवाब फूलों का एक शानदार गुलदस्ता लाओ, आज उनकी बर्थडे है। माफ कीजिए साहब, किनकी बर्थडे? सरकारी वकील रामनाथ जी की बेटी माला की। तुम जियो हजारों साल। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या जालिम लग रही हो, काश कि मैं लड़का होती तुम्हें भगा नहीं जाती। भगाने वाले तो आ रहे हैं, मिस्टर जवान तुम हो जवान हम हैं, क्यों आ रहे हैं ना? अरे शाबाश आ गए मोहन, और ये मेरी पत्नी। अच्छा जाओ, तुम मेहमानों की देखभाल करो। मैं आओ बेटे। ये मिस्टर मोहन मेरे अजीज, और कुछ दिनों के अंदर मैं इनके और ये मेरे और भी नजदीक आने वाला। बेहद खुशी हुई आपसे मिलकर। जन्मदिन मुबारक हो, ये दिन बार बार आए। अमर, मैं कितनी खुश हूँ तुम्हारी। आप सब लोग कह रहे होंगे जन्मदिन मुबारक हो, ये दिन बार बार आए, लेकिन मैं समझता हूँ आज का दिन उसी रोज मुबारक हो गया था जिस रोज तुमने जन्म लिया था। थैंक यू। मैं तुम अंकल से मिला हूँ। अमर जी नमस्ते। नमस्ते अंकल। आप मिस्टर अमर को एक वकील के नाते जानते हैं, लेकिन ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। अच्छा। तब मैं इतनी सी थी, हम साथ साथ स्कूल जाते थे। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। माला जी, मैंने हैप्पी रिटर्न सब दी। तुम कहाँ बीच में आ रहे हो भाई? ड्राइवर के यहाँ क्या काम? चलो निकलो, बाहर निकलो से। चलो, चलो, निकलो, चलो। रहने दीजिए। माफ कीजिएगा, इस गरीब की शुभकामनाओं को अपमान न समझिएगा। थैंक यू। अब सुनो, नाम क्या है तुम्हारा? जी राम सिंह। आपके भाई को तलाश करने के लिए जो फार्मूला मैंने निकाला है उसके मुताबिक आपका भाई गोपाल अगर पढ़ा लिखा है तो मेरे एडवर्टीजमेंट को पढ़कर आपको मुबारकबाद देने जरूर आएगा। सुनो, यहाँ के हर आने वाले पर पूरी तरह नजर रखो। अटेंशन प्लीज, अटेंशन, अटेंशन, सुनिए। आप सब तशरीफ लाए, माला को उसके जन्मदिन पर मुबारकबाद दी, आशीर्वाद दिया। मैं माला की तरफ से, शोभा और अपनी तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इस खुशी के मौके पर मैंने माला को कोई उपहार नहीं दिया, इसलिए कि जो कुछ मेरा है वो सब उसी का तो है। लेकिन अब मैं उसे एक ऐसा उपहार देना चाहता हूं जो इस वक्त उसका नहीं है, लेकिन मिल जाने पर जीवन भर उसका होकर रहेगा। एक सियानी लड़की के लिए सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता है? जीवन साथी। और मैं अपनी माला को एक ऐसा जीवन साथी दे रहा हूं जिसे पाकर वो अपने आप को सराहे। सुंदर, पढ़ा लिखा, काबिल, खानदानी। मोहन चंद।